कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की राष्ट्रीय जनता दल की भावी प्रत्याशी सुभाष यादव के द्वारा जिला के मरकच्चो प्रखंड के दैदाही बाजार, सदगामा प्रखंड के कलीडी चौक, डोमचांच प्रखंड सहित कोडरमा प्रखंड के जयनगर मोड़ आदि जगहों में स्टॉल लगाकर छठ व्रतियों के बीच साड़ी, सूप, फल समेत पूजा सामग्री का वितरण किया गया। वहीं इस दौरान राजद नेता सुभाष यादव ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि मैं क्षेत्र के छठ व्रती माताओं और बहनों से अपील करता हूं कि हमें केवल आशीर्वाद देते रहिए कि मैं हमेशा आप लोगों के बीच प्रत्येक पर्व तैयार त्योहार में शामिल होकर एक दूसरे की खुशी बांट सके। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता मालिक को भरोसा और विश्वास दिलाती हूँ कि जब कभी भी हमारे क्षेत्र की जनता को हमारी मदद और जरूरत महसूस होगी मैं हमेशा आप लोगों के सामने नजर आऊंगा। वहीं इस मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष सह प्रखंड प्रमुख विजय कुमार सिंह, प्रखंड युवा अध्यक्ष उदय यादव, पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सरफराज नवाज खान, शरफुद्दीन अंसारी, रंजीत यादव, मनिंदर राम मुखिया, प्रतिनिधि राजेश पासवान, नारायण दास समेत दर्जनों नेता और कार्यकर्ता लोग उपस्थित रहकर वितरण कार्य को सफल बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट कोडरमा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।